सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी आर पार्ट ऑफ 32nd क्वेश्चन. और यहाँ पर हमारे पास में दो उसके पार्ट है, ए और बी. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए, वो क्या कह रहा है, अ डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज केप्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ प्लेट सेपरेशन डी एंड दिस टी इज लेस देन डी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. मतलब हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, और उसके बीच में हम टी थिकनेस वाला डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमको फाइंड करना. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट कंसिडर करते हैं. तो एक प्लेट यहाँ पर हमने कंसिडर की, मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है ना. और यहाँ पर एक टी थिकनेस का डायलैक्ट्रिक स्लैब हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं. तो ये टी थिकनेस का डायलैक्ट्रिक स्लैब है, ओके. और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन है टी, ओके. ये एक डायलैक्ट्रिक स्लैब है और इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है. इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है, ओके. तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. डेरिवेशन का दो मेथड है. पहला मेथड हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना. मेथड हम फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, और सेकंड मेथड जो है आपको सेकंड वीडियो में अवेलेबल होगी. तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं. फर्स्ट मेथड में हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप के कैपेसिटेंस बने हैं, एक एयर फील्ड कैपेसिटर और एक डायलैक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर. तो जो एयर फील्ड कैपेसिटर है ना, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में इसको हम दो कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर एक होगा कैपेसिटर हमारे पास में एयर फील्ड, सी एयर जिसको हम लिख देते हैं, और एक कैपेसिटर होगा हमारे पास में डायलैक्ट्रिक फील्ड जिसको हम सी के लिख देते हैं, है ना. तो अगर हम सी एयर की बात करें तो सी एयर होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, है ना, जो बचा हुआ एयर है उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, ओके. और अगर हम सी के की बात करें, मतलब कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला, तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी यहाँ पर हमको मिलेगा. और हमको पता है कि अगर हमको नेट सी फाइंड करना है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता, मतलब कि 1/c एयर प्लस 1/c के होगा, बिकॉज दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज. दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो 1/c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सी एयर का वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी हमको मिलेगा, ओके. प्लस 1/c के हम यहाँ पर पुट करेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी हमको यहाँ पर मिलता है, ओके. इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन 1/c इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस टी, ओके, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए. और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई वे में लिखेंगे, टी, है ना, टी बाई के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, है ना. थोड़ा सा हमने इसको टी यहाँ पर के बाई टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी बाई के हो जाएगा, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है. तो उसे क्या हुआ, उसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. तो 1/c इज इक्वल टू, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डी माइनस टी इन द ब्रैकेट 1 - 1/k. ऐसा ही आपको अरेंज करना है जो मैंने अरेंज किया. थोड़ा सा और इसको हम एक स्टेप हम जो बीच में स्किप कर गए हैं वो लिख देते हैं. तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए. और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या होगा हमारे पास में, सी का वैल्यू होगा अब एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/k, ओके. तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आया. आपने देखा यहाँ पर हमने बहुत इजी वे में इसको डिराइव कर लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया. हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ किया, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और हमने इसको डिराइव कर लिया, ठीक है.
और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, डिराइव कर लिया। नेक्स्ट हम अब इसका बी पार्ट देख रहे हैं। बी पार्ट में हमारे पास में क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी वन इज चार्ज टू द पोटेंशियल वी नॉट, ओके, ऑन डिसकनेक्टिंग विद द बैटरी इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर सी टू एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ओके, अभी हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन ऑफ स्विच। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम में ये जो C1 है वो V0 से चार्ज किया है और उसको फिर C2 से हमने कनेक्ट किया। अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर हम सिस्टमेटिकली वे में सारा डेरिवेशन देख लेंगे, डेरिवेशन की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, है ना, किसकी बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसकी बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल होगा 1 बाई टू सी वन वी नॉट स्क्वायर। ओके, और अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको इसका कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा और चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन पोटेंशियल जब स्टेडी स्टेट होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, वो क्या होगा वो हमको देखना है। तो चार्ज यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, सी वन इंटू वी नॉट, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस सी वन प्लस सी टू, ये कॉमन पोटेंशियल होगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा 1 बाई टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी कॉमन का होल स्क्वायर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई टू सी वन प्लस सी टू और V कॉमन क्या है, C1 into V naught divided by C1 plus C2 और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में, वो होगा यहाँ पर ये जो डिनोमेटर में C1 plus C2 इसका भी स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 1 by 2 C naught square into C1 square into V naught square divided by C1 plus C2। ओके, अब अगर हम इसे रेशियो देखें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, रेशियो ऑफ बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन, तो बिफोर मतलब यू इनिशियल, ओके, एंड आफ्टर मतलब यू फाइनल। तो यू इनिशियल हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 1 बाई टू सी वन इंटू वी नॉट स्क्वायर और आफ्टर ये हमने फाइंड किया 1 बाई टू C1 square into V naught square divided by C1 plus C2, है ना। अब यहाँ पर 1 by 2 से 1 by 2 हम cancel कर सकते हैं, V naught square से V naught square भी cancel कर सकते हैं, एक C1 से एक C1 भी cancel कर सकते हैं। तो जो ratio हमको मिला वो क्या मिलेगा, denominator ऊपर पहुँच जाएगा, C1 plus C2 divided by C1। Okay, this is the ratio U initial divided by U final। Okay, और यही हमको प्रूफ करना था, इतना करने के बाद हमको 5 मार्क पूरे मिलने वाले हैं। इन सारे वीडियो का आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे, हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.chitraeducation.co.in और वहाँ पर आपको सारा एक समराइज वे में एक ही पेज पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ पर क्वेश्चन के साथ में सारे वीडियो देख सकते हैं।